हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू दी एम वाइब। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है एम वाइब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं अंकित गुप्ता करता हूं आप सभी का वेलकम, आप सभी का स्वागत। और जितने भी लोग यहां पर जुड़ चुके हैं, सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं, सभी को गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी लोग यहाँ पर बेहतर होंगे, बढ़िया होंगे और सेशन को ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल आप लोग यहाँ पर रेडी होंगे। तो चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत करेंगे सेशन की मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे के साथ। और आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो आप सभी के सामने है। लिखा हुआ है कि सोसाइटी में प्रेडिक्ट बट ओनली आई कैन डिटरमाइन माई डेस्टिनी। देखिए, सोसाइटी का मतलब समाज है और समाज का मतलब हमारे आसपास के लोग हैं और जिनके साथ हम उठते हैं, बैठते हैं, जिनके साथ हम वक्त बिताते हैं। तो हमारे आसपास की जो सोसाइटी है ना, तो वो केवल यहाँ पर लिखा हुआ है कि केवल प्रेडिक्ट कर सकती है कि हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है, लेकिन मैं वो व्यक्ति हूं जो मेरा फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको ये लगता है कि आपके आसपास के लोग या आपके आसपास का जो समाज है वो बेसिकली कहता है कि नहीं, तुम्हारा फ्यूचर कुछ भी नहीं होगा, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम अगर ऐसे ही करते रहे तो तुम कुछ नहीं बन पाओगे, तुम ये जॉब हासिल नहीं कर सकते, तुम ये ड्रीम चेज नहीं कर सकते, तुम कर ही नहीं सकते। अब देखिए, ठीक है, उनकी जो मंशा है या उनका जो भी प्रेडिक्शन है वो केवल एक प्रेडिक्शन है, वो कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है और ना ही वो उनके कहने से डिसाइड हो जाता है कि हाँ भाई मैं कर ही नहीं सकता। समाज ने जो हमसे कह दिया, समाज ने जो हमसे बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वही फाइनल है और ना ही उसे अपने मन में बिठाइए। कई बार क्या होता है, लोगों के मन में ये घर कर जाता है कि सब तो यही कहते हैं मैं कर ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकता, तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, यही सच्चाई है। बट ऐसा नहीं है। नहीं रितेश जी, अभी कुछ सर्वर इश्यूज की वजह से एमवाइब की वेबसाइट और एप्लीकेशन अभी वर्किंग नहीं है। हमने इसके बारे में इन्फॉर्म ऑलरेडी किया हुआ है। जैसे ही वर्किंग हो जाएगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, डोंट टेक टेंशन। आकांक्षा वर्मा जी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। रिपर्णा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अर्पित गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी को गुड मॉर्निंग। ऑलरेडी सबको मैंने बता रखा है इस बारे में। हिमानी गुड मॉर्निंग, ज्योति, रितेश गुड मॉर्निंग। ज्योति, उसमें अभी कुछ मेंटेनेंस का वर्क चल रहा है, ठीक है, सर्वर मेंटेनेंस का वर्क चल रहा है, इसलिए अभी जो हमारा सर्वर है, जो हमारी वेबसाइट है, ऐप है, अभी वो वर्किंग नहीं है। जल्द ही वो वर्किंग हो जाएगी, मेंटेनेंस का काम पूरा होने के बाद, तो उसके बारे में आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, डोंट टेक टेंशन। चलिए, तो आप इस मोटिवेशन कोट से हर बात समझ गए होंगे कि जो सोसाइटी है, हमारा समाज है, जो कहता है वो सच्चाई नहीं है, वो केवल और केवल एक प्रेडिक्शन है। और प्रेडिक्शन को मानकर आपको आपका भविष्य तय नहीं करना है, आपको आपका भविष्य खुद आप ही तय कर सकते हैं। केवल आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपनी डेस्टिनी को, अपनी नियति को निश्चित कर सकते हैं, तय कर सकते हैं। आप हैं जो अपनी डेस्टिनी को तय करेंगे। सोसाइटी केवल आपकी डेस्टिनी को, आपकी नियति को प्रेडिक्ट कर सकती है, उसे तय नहीं कर सकती, उसे डिसाइड नहीं कर सकती, उसे डिटरमाइन नहीं कर सकती। ये आप हैं जो ऐसा कर सकते हैं। क्लियर है? यस त्रिपाठी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आयुषी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अनुरूप गुड मॉर्निंग। नंदिनी मिश्रा जी गुड मॉर्निंग। अदिति जी गुड मॉर्निंग। अक्षिता वर्मा गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। जितने भी लोग यहाँ पर वर्क ज्वाइन कर चुके हैं सेशन को, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मोटिवेशन कोट ऑफ द डे हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले ये है YouTube क्लासेस का स्केड्यूल कि डेली बेसिस पर YouTube पर कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, तो उनका जो कंप्लीट स्केड्यूल है वो आप सभी के सामने है। डेली बेसिस पर ये सभी की सभी क्लासेस YouTube चैनल पर आपकी यहाँ पर होती हैं, तो आप डेली बेसिस पर ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेंगे 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक के इंपॉर्टेंट डेज की। 1 तारीख को कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे रहेंगे। 1 तारीख को सबसे इंपॉर्टेंट डे आपका रहता है वर्ल्ड एड्स डे, एक्वायर्ड इम्यूनियो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म। तो वर्ल्ड एड्स डे 1 तारीख, एड्स बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए। 2 दिसंबर को आपके 3 इंपॉर्टेंट डे यहाँ पर बनेंगे। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी 2 और 3 दिसंबर की रात 1984 को यहाँ पर MIC गैस लीक होने की वजह से, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक होने की वजह से हजारों लोगों की मौत हुई, पॉल्यूशन क्रिएट हुआ गैस लीक की वजह से। तो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे जो आपका मनाया जाता है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। साथ ही साथ यहां पर याद रखेंगे, ठीक है, 2 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ द स्लेवरी, यानी कि गुलामी मुक्त या फिर मॉडर्न स्लेवरी को उसका उन्मूलन करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए। 2 दिसंबर वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, 3 दिसंबर वर्ल्ड डे फॉर दी हैंडीकैप्ड जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए, या फिर ऐसे इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज भी आपका यहाँ पर कहते हैं। तो ये भी साथ ही साथ याद रखिएगा। 4 दिसंबर को इंपॉर्टेंट डे रहेगा इंडियन नेवी डे, और 4 दिसंबर को रहेगा आपका इंटरनेशनल चीता डे भी आपके यहाँ पर 4 दिसंबर को मनाया जाएगा। 5 दिसंबर को 2 इंपॉर्टेंट डे रहेंगे, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे और वर्ल्ड सॉयल डे। तो 1 से लेकर 5 तारीख तक के इंपॉर्टेंट डेज का रिवीजन कंप्लीट हुआ। देन उसके बाद 6 दिसंबर की अगर हम लोग बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी आपके यहाँ पर बनती है 6 दिसंबर को। 7 दिसंबर को जो इंपॉर्टेंट डे है वो है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, 7 दिसंबर को ही है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, और आज है 8 दिसंबर, एक इंपॉर्टेंट डे आपके यहाँ पर बनेगा। 8 दिसंबर की बात करें तो भगवान बुद्ध के जीवन को समर्पित और बौद्ध धर्म के महत्व के लिए बोधि डे आपका 8 दिसंबर यानी कि आज आपका यहाँ पर मनाया जाता है। तो आज है आपका बोधि डे, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेते हैं पहली इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ, और पहली इंपॉर्टेंट न्यूज आप सभी के सामने ये रही। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज किस बारे में है? यूपी की बात करें तो यूपी की जो म्यूनिसिपैलिटी है, ठीक है, उन्होंने यहां पर एक प्रपोजल पास कर दिया है, पास्ड दी प्रपोजल टू रीनेम। यहां पर नाम बदला जाएगा, रीनेम किया जाएगा, फिरोजाबाद का नाम बदलकर हो जाएगा आपके यहाँ पर चंद्रनगर, और इसके लिए वहां की नगर निगम ने यानी कि म्यूनिसिपैलिटी ने जो प्रपोजल है वो आपका पास कर दिया है। फिरोजाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मुझे ये लिखकर बताओ कि फिरोजाबाद सिटी किस प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है या किस प्रोडक्ट के लिए ये वर्ल्ड फेमस है। फिरोजाबाद सिटी की बात करें तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। बिल्कुल सही कहा, वेटिंग फॉर वीजा। ये ऑटोबायोग्राफी आपके यहाँ पर बनती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, और उनके समाधि स्थल को चैत्य भूमि के नाम से आपके यहाँ पर जाना जाता है, जो कि दादर मुंबई में मौजूद है। तो फिरोजाबाद के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने, जो कि उत्तर प्रदेश में आपका यहाँ पर लोकेटेड है, हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू द रीनेम फिरोजाबाद एज द चंद्रनगर। तो वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। फिरोजाबाद की जो चूड़ियां हैं वो आपकी वर्ल्ड फेमस हैं अपने बैंगल्स के लिए। गुड मॉर्निंग अंशिका अवस्थी, गुड मॉर्निंग। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर दी कंस्ट्रक्शन ऑफ दी बैंगल्स, चूड़ियों के निर्माण के लिए यहाँ पर बहुत ही शानदार और बढ़िया क्वालिटी की चूड़ियां बनाई जाती हैं। तो फिरोजाबाद सिटी को बैंगल सिटी भी आपके यहाँ पर कहते हैं, और फिरोजाबाद की चूड़ियों को जीआई टैग वगैरह भी दिया हुआ है। तो इट इज लोकेटेड 40 किलोमीटर फ्रॉम दी आगरा सिटी। फिरोजाबाद सिटी जो आपकी यहाँ पर है वो आगरा से करीब करीब 40 किलोमीटर दूर है, एंड 250 किलोमीटर फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ द ईस्ट साइड। ठीक है, नॉट इश्यू। उत्तर प्रदेश कैपिटल जो लखनऊ आपकी यहाँ पर बनती है इज अबाउट 250 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम दी हेयर। तो यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी फिरोजाबाद से करीब 250 किलोमीटर दूर है। 2 टाउन्स कम अंडर दी टुंडला एंड सिकोहाबाद अंडर दी। अब देखिए यहाँ पर इस जिले के अंतर्गत 2 जो टाउन है वो आते हैं, जो शहर हैं वो आते हैं। 2 शहर कौन कौन से हैं? 2 टाउन्स, एक तो टुंडला है जो कि टुंडला जंक्शन भी है, और सिकोहाबाद भी आपका जंक्शन यहाँ पर बनता है। फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, तो टुंडला और सिकोहाबाद ये फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो इनके लिए भी जो जिले का नाम है वो बदलकर चंद्रनगर आपका यहाँ पर हो जाएगा, उन पर भी इसका असर पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अर्लियर। अब देखिए यहां पर अब ये सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि हाँ फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर आपका यहाँ पर रखा जाएगा। इससे पहले कई रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं और शहरों के नाम भी आपके यहाँ पर बदले गए हैं। तो अर्लियर द इंडियन रेलवेज इन अक्टूबर के महीने में बात करें, अक्टूबर 2023 में इंडियन रेलवेज ने अनाउंस किया था दैट द रीनेमिंग ऑफ द थ्री रेलवे स्टेशन, तीन रेलवे स्टेशन के नाम बदले थे। एक तो है प्रतापगढ़, दूसरा अंतनू और तीसरा आपका यहाँ पर जो बनता है वो आपका यहाँ पर है बिश्नाथगंज। बिश्नाथगंज, प्रतापगढ़ और अंतू इन दी प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, इनके नाम बदले गए हैं। तो रेलवे ने ये इन्फॉर्म किया है दैट दी प्रतापगढ़ स्टेशन का नाम बदलकर माँ बेहला देवी रखा जाएगा, माँ बेहला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन ये नाम होगा। ठीक है, प्रतापगढ़ जंक्शन का नाम बदलकर माँ बेहला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन होगा क्योंकि ये अनाउंसमेंट इंडियन रेलवेज ने किया है। तो इसका मतलब है कि रेलवे स्टेशन का नाम यहाँ पर बदला गया है। देन अंतु एज दी माँ चंद्रिका देवी धाम अंतु, तो अंतु का नाम बदलकर, अंतु रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ चंद्रिका देवी धाम अंतु रखा गया है। एंड विश्वनाथगंज का नाम बदलकर यहाँ पर शनिदेव धाम विश्वनाथगंज रखा गया है। शनिदेव धाम विश्वनाथगंज रखा गया है। तो ये नाम रिसेंटली आपके यहाँ पर बदले हैं, चेंज हुए हैं। वेरी गुड अनुरूप। रिसेंटली अगर हम लोग बात करें इंडियन रेलवेज की बात कर रहे हैं तो हम IRCTC के माध्यम से ही यहाँ पर टिकट की बुकिंग करते हैं। तो रिसेंटली IRCTC ने जोमेटो नाम की कंपनी के साथ यहाँ पर टाई अप किया था कि जब आप टिकट वगैरह बुक करेंगे तो उसके साथ ही आप प्री बुक्ड मील यानी कि पहले से अपना जो फूड है, मील है, वो भी आप वहाँ पर बुक कर पाएंगे। राइट, क्लियर है सभी को? तो इन तीन रेलवे स्टेशनों के नाम बदले हैं तो आपको यहाँ पर इन तीनों रेलवे स्टेशनों के नाम याद करने होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि क्या इन तीनों रेलवे स्टेशनों का नाम याद करना है। आंसर इज यस। प्रतापगढ़ का नाम बदलकर, अंजू का नाम बदलकर और विश्वनाथगंज का नाम बदलकर क्या रखा गया है, इन तीनों के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, और आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, कुछ ही समय पहले बनारस की अगर हम लोग बात करें तो बनारस में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, बनारस के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया था सिंपली बनारस। पहले इसे मंडुआडीह रेलवे स्टेशन कहा जाता था जिसका नाम बदलकर बनारस कहा गया है। बनारसी या वाराणसी की बात करें तो वाराणसी के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की बात करें, क्योंकि यहाँ पर फिरोजाबाद सिटी भी उत्तर प्रदेश की सिटी है, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने यहाँ पर झांसी रेलवे स्टेशन का नाम भी बदला था कुछ वक्त पहले। अगर आपको याद हो तो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन आपका यहाँ पर रखा गया था, लक्ष्मीबाई जी के नाम पर। वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, ये झांसी रेलवे स्टेशन, झांसी जंक्शन को वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से आपका यहां पर जाना जाएगा। इससे पहले प्रीवियसली द स्टेट गवर्नमेंट हैड रीनेम्ड, इससे पहले यूपी गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने मुगल सराय जंक्शन का नाम भी बदला था और इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का नाम भी बदला था। मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किसे कहते हैं? मुगल सराय को कहते हैं, मुगल सराय जंक्शन को कहते हैं। और प्रयागराज, क्योंकि इलाहाबाद शहर का नाम बदला गया है, इलाहाबाद शहर को प्रयागराज कहा जाएगा, तो उसके रेलवे स्टेशन को भी प्रयागराज जंक्शन के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा अगर आप सभी को याद हो तो और भी लोकेशंस के नाम बदले गए हैं या फिर अप्रूवल के लिए इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि अलीगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो अलीगढ़ का नाम बदलकर हरीगढ़ करने का प्रस्ताव है और जल्द ही ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर ऑफिशियल भी हो जाएंगी। तो हरीगढ़ के नाम से आगे जाना जाएगा आपका यहाँ पर अलीगढ़। इसके अलावा अलीगढ़ हो जाएगा हरीगढ़, अलीगढ़ हो जाएगा आपके यहाँ पर हरीगढ़। तो इसका प्रपोजल है आपका बेसिकली। इसके अलावा भी और भी यहाँ पर प्रपोजल रखे गए हैं नाम बदलने के लिए। अगर हम लोग बात करें, केवल मैं यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपी के अलावा भी दूसरे इलाकों में, दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में नाम आपके यहाँ पर बदले गए हैं कमेंट सेक्शन में। जैसे कि राजस्थान में एक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदलकर महेश नगर रेलवे स्टेशन आपका यहाँ पर किया गया था। मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर रेलवे स्टेशन किया गया था। फैजाबाद, अब देखिए ये फिरोजाबाद है और एक और शहर था फैजाबाद, फैजाबाद जिला था। तो अयोध्या जो आपका आता है ना वो फैजाबाद जिले के अंतर्गत आता है, तो फैजाबाद का नाम बदलकर आपका रखा गया था अयोध्या। ठीक है, फैजाबाद का नाम बदलकर रखा गया था अयोध्या, अगर आप सभी को याद हो। ठीक है, भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, भोपाल में एक रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया था भोपाल में और नया नाम रखा गया था रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। औरंगाबाद सिटी का नाम ही बदल दिया गया, औरंगाबाद जो औरंगजेब नाम का मुगल शासक था, ठीक है, अंतिम पावरफुल मुगल शासक, मैं बात कर रहा हूं लास्ट पावरफुल मुगल शासक औरंगजेब था, क्योंकि उसके बाद जो शासक आए वो अंग्रेजों के अधीन रहे, बहुत ज्यादा पावर उनमें नहीं थी, और अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर द्वितीय जो सबसे लास्ट किंग थे। ठीक है, हाँ, हबीबगंज, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, औरंगाबाद, औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखने का प्रस्ताव है। कनिष्का जी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सभी को वेलकम, गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन। तो हमने आज के सेशन में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जो रीनेम किया गया है, नाम बदला गया है, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया। आई होप कि इन सारी चीज़ों से आपको काफ़ी हेल्प यहाँ पर मिलेगी। फिर फैजाबाद को अब अयोध्या के नाम से जाना जाता है, ये भी साथ ही साथ यहाँ पर याद रखिएगा। हाँ, अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर रखने की बात की है। एक और रेलवे स्टेशन है मुंबई में, मुंबई के उस रेलवे स्टेशन का नाम है चर्च गेट रेलवे स्टेशन, जो कि काफ़ी पॉपुलर और काफी पुराना रेलवे स्टेशन है। तो मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख और चिंतामन द्वारिकानाथ देशमुख जी के नाम पर रखने की घोषणा भी की थी। आरबीआई के ओवरऑल तीसरे गवर्नर और पहले भारतीय गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सीडी देशमुख और चिंतामन द्वारिकानाथ देशमुख। तो मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम भी उनके नाम पर जाना जाएगा। मध्य प्रदेश में एक लोकेशन है होशंगाबाद, होशंगाबाद से एक नदी बहती है, नर्मदा नदी। होशंगाबाद जो शहर है, टाउन है, वहां से एक नदी बहती है नर्मदा रिवर, तो उसी के नाम पर उस शहर का नाम नर्मदापुरम आपके यहाँ पर रखा गया है। तो वो भी साथ ही साथ याद रखिएगा। काफी सारी चीजें के नाम बदले गए हैं, आप एक लिस्ट बना सकते हैं ताकि अपकमिंग एग्जाम्स वगैरह में आपको हेल्प यहाँ पर मिल सके। एनसीईआरबी, एनसीईआरबी का फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। रिसेंटली एनसीईआरबी ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपकी यहां पर पेश की है और उस डिटेल्ड रिपोर्ट में भारत में सेफ्टी, क्राइम से लेकर बहुत सारा डेटा रिलीज किया गया है। कल मैंने कुछ एमसीक्यूज कल के डेली करंट अफेयर्स सेशन में एनसीआरबी के लेटेस्ट रिपोर्ट पर आपसे पूछे थे। तो एनसीआरबी की इस लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो इसमें कोलकाता सिटी को डिक्लेयर किया गया है भारत की सबसे सेफेस्ट सिटी फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर। लगातार तीसरे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर है, जो कि क्राइम से दूर है, महिलाओं के लिए सुरक्षित है, लोगों के लिए सुरक्षित है, बहुत कम क्राइम है। तो कोलकाता यहाँ पर सेफेस्ट सिटी डिक्लेयर हुई है एनसीईआरबी की रिपोर्ट में लगातार तीसरे साल। कोलकाता की अगर हम लोग बात करें तो कोलकाता इमर्ज एज द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर। लगातार तीसरे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बनेगा कोलकाता। रिकॉर्डिंग द लीस्ट नंबर, यहां पर सबसे कम, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो लीस्ट नंबर ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पर लैक पॉपुलेशन, यानी कि हर 1 लाख की पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पर जो क्राइम वगैरह हुए हैं वो काफ़ी कम है। ठीक है, कॉग्निजेबल क्राइम मतलब आईपीसी के धारा के तहत जो क्राइम होते हैं, ठीक है, तो जो भी इंडियन कानून है उन कानूनों के तहत जो क्राइम्स आपके यहाँ पर होते हैं, तो पर लैक की पॉपुलेशन के हिसाब से जो यहाँ पर क्राइम्स रिकॉर्ड हुए हैं, गुनाह अपराध रिकॉर्ड हुए हैं, वो सबसे कम है। अमंग दी मेट्रोपोलिस, यानी कि ऐसे शहर जो कि मेट्रो सिटीज में काउंट होते हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, तो ये डेटा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा पेश किया गया है। रिसेंटली कोलकाता सिटी के अंदर 11वां बुक फेयर भी आपका यहाँ पर चल रहा है और ये 11th बुक फेयर आपके यहाँ पर बनता है, बांग्लादेश का बुक फेयर। 11वां बांग्लादेश का बुक फेयर रिसेंटली किस शहर में मनाया जा रहा है या किस शहर में आयोजित हो रहा है, तो ये आपका कोलकाता सिटी में आयोजित आपका यहाँ पर किया जा रहा है। द ईस्टर्न मोनोपोलिस विच रिपोर्टेड, अगर हम बात करें कोलकाता सिटी की तो यहाँ पर 86.5 केसेस ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पर लैक पीपल इन 2022, पूरा का पूरा डेटा 2022 के हिसाब से है और 2022 में यहाँ पर लैक पॉपुलेशन के हिसाब से 1 लाख की आबादी में यहाँ पर मात्र 86.5 का एवरेज है। 1 लाख की पॉपुलेशन में मात्र यहाँ पर 86.5 केसेस का यहाँ पर जो भी कानूनन अपराध यहाँ पर हुए हैं तो 86.5 1 लाख की पॉपुलेशन में केसेस का एवरेज है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तो सेफेस्ट सिटी आपके यहाँ पर आती है वो पुणे सिटी आती है जहां पर लैक की पॉपुलेशन में 280 के आसपास केसेस आपके यहाँ पर एवरेज दर्ज आपके यहाँ पर हुए हैं। हैदराबाद सिटी तीसरे नंबर पर आती है जहां पर लैक पॉपुलेशन पर करीब करीब 299 केसेस आपके यहाँ पर दर्ज हुए हैं। रिसेंटली वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट यहाँ पर बनती है, वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता, रिसेंटली वेस्ट बंगाल ने पूर्व क्रिकेट कैप्टन सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, यानी कि वेस्ट बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर जो आपके यहाँ पर बनते हैं वो सौरव गांगुली बनते हैं, ये भी साथ ही साथ याद रखिएगा। क्लियर है कि कोलकाता क्यों सबसे सेफेस्ट सिटी आपकी यहाँ पर बोली गई है। कोलकाता सिटी में ही भारत में सबसे पहली मेट्रो चलाई गई थी 1984 में, 1984 में, ठीक है। सबसे पहली मेट्रो, इंडिया फर्स्ट मेट्रो कहाँ चलाई गई थी? कोलकाता सिटी में चलाई गई थी। नदी आपकी यहाँ पर बनती है हुगली रिवर। कोलकाता सिटी किस नदी के किनारे मौजूद है? तो ये हुगली नदी के किनारे मौजूद है। यहाँ पर आपको इमेज नजर आ रही है और इस इमेज में आप यहाँ पर एक ब्रिज यहाँ पर जरूर देख रहे होंगे। इस ब्रिज का नाम क्या है? इस ब्रिज को कहते हैं हावड़ा ब्रिज। ये हावड़ा ब्रिज का दूसरा नाम क्या है? सेकंड नेम ऑफ दी हावड़ा ब्रिज। तो सेकंड नेम, इसका दूसरा नाम या यूं कहूं कि आधिकारिक नाम इस ब्रिज का क्या है वो भी लिखकर मुझे कमेंट सेक्शन में यहां पर सभी लोग लिखकर बताइएगा, ठीक है। हुगली नदी किस नदी की एक ब्रांच है या उस नदी से निकली है? तो गंगा नदी से आपकी निकलती है हुगली नदी, ये भी याद रखिएगा। हाँ, अभी उस स्टूडेंट का नाम मुझे बताएगा कि उस स्टूडेंट का नाम क्या था जिसने प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं ना, ताश के पत्तों से यहाँ पर कोलकाता सिटी के काफी सारे स्ट्रक्चर्स को बनाया था और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके यहाँ पर बनाया था, वो भी कोलकाता सिटी से था स्टूडेंट, उसका नाम था अर्णव डागा। वेरी गुड अक्षिता वर्मा, उसने हावड़ा ब्रिज नहीं बनाया था। हावड़ा ब्रिज का दूसरा नाम बनता है रविंद्र टैगोर सेतु, ठीक है, रविंद्र रविंद्र सेतु के नाम से भी इसे जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर इसे रविंद्र सेतु भी कहा जाता है, ये भी साथ ही साथ याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? आगे बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दी एनसीआरबी रिपोर्ट, एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से कोलकाता हैड रजिस्टर्ड 103 केसेस फॉर दी कॉग्निजेबल क्राइम्स पर लैक। अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में भी कोलकाता भारत की सबसे सेफेस्ट सिटी डिक्लेयर हुई थी क्योंकि यहाँ पर लैक की पॉपुलेशन पर मात्र जो आपके क्राइम होते हैं, अपराध होते हैं भारतीय कानूनों के अनुसार, उनकी संख्या वहां पर मात्र 103 थी 2021 में और 2022 में इनकी संख्या घटकर 86 हो गई है, यानी कि कोलकाता सिटी सेफ्टी के मामले में इंप्रूवमेंट यहां पर दिखा रहा है, विच ड्रॉप्ड टू 86.5 दिस ईयर। और इस साल यहां पर ये संख्या 86 तक पहुंच गई है। 2020 में भी, 2020 में भी यहां पर जो अपराधों की संख्या थी पर लैक की पॉपुलेशन के हिसाब से वो 129 थी। तो आप देख सकते हैं पिछले 3 सालों से संख्या घट रही है। 2020 में जहां पर 129 केसेस थे पर लैक पॉपुलेशन पर, वो 2021 में घटकर 103 रह गए और 2022 में घटकर ये 86 रह गए, यानी कि लगातार ये शहर सेफ्टी के मामले में यहां पर अपराधों की संख्या पर लैक पॉपुलेशन के हिसाब से जो एवरेज है वो आपका घट रहा है। इसका एक दूसरा ये भी हो सकता है कि मे बी यहाँ की आबादी बढ़ रही है तो उस हिसाब से एवरेज भी घट गया है, ऐसा भी हो सकता है, बट ओवरऑल यहाँ पर सिनेरियो पॉजिटिव है। इन 2021 की अगर हम लोग बात यहाँ पर करें, इन 2021 में पुणे सिटी और हैदराबाद सिटी को भी बात कर लेते हैं क्योंकि पुणे सेकंड पोजीशन पर सेफेस्ट सिटी है, हैदराबाद थर्ड पोजीशन पर सेफेस्ट सिटी है। तो 2021 में पुणे शहर में पर लैक की पॉपुलेशन पर 256 केसेस दर्ज थे और हैदराबाद में 259 केसेस आपके यहाँ पर दर्ज थे, ठीक है। द रैंकिंग्स वेयर इशूड आफ्टर द कंपैरिजन अमंग द 19 सिटीज ओवर द 20 लाख पॉपुलेशन। और यहाँ पर कोलकाता को डिक्लेयर किया गया है सेफेस्ट सिटी, पुणे को सेकेंड सेफेस्ट सिटी और हैदराबाद को थर्ड थर्ड सेफेस्ट सिटी। तो बेसिकली टोटल 19 शहरों को इस लिस्ट में शामिल किया गया था। 19 शहरों की 20 लाख पॉपुलेशन को कंपेयर किया गया, उस आधार पर यह रिपोर्ट आपके यहां पर जारी की गई है। क्लियर है सभी को? पॉइंट यहां पर क्लियर है। आगे बात कर लेते हैं। कोलकाता हाउएवर रिकॉर्डेड एन इंक्रीज इन द क्राइम अगेंस्ट द विमेन। लेकिन महिलाओं के खिलाफ कोलकाता में जो क्राइम्स हैं, अपराध हैं, वो आपके बड़े हैं। एज द नंबर ऑफ द केसेस रोज फ्रॉम दी 1783 इन 2021। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बात करें तो यहाँ पर 2021 में महिलाओं के खिलाफ करीब करीब 1783 केस दर्ज हुए थे और वहीं पर 2022 में यहाँ पर इनकी संख्या बढ़कर 1890 आपकी यहाँ पर हो चुकी है। क्लियर है? 1890 आपकी यहां पर हो चुकी है। द क्राइम रेट अगेंस्ट द विमेन इन कोलकाता वाज एट 27.1 पर लाख पॉपुलेशन। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बात करें तो 1 लाख की आबादी में एवरेज 27 केसेस आपके यहां पर दर्ज हैं, ग्रेटर देन द कोयम्बटूर, ठीक है, जो कि कोयम्बटूर से भी ज्यादा है और चेन्नई से भी ज्यादा है। तो महिलाओं के खिलाफ सबसे कम अपराध आपके कोयम्बटूर में है, पर लाख की पॉपुलेशन में मात्र 12 के आसपास केसेस। एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात करें तो रिसेंटली उन्होंने क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट को आपके यहां पर पब्लिश किया है, जिसमें डेटा कलेक्ट किया गया है 36 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज से और दी सेंट्रल एजेंसी से, जिसके बाद यहां पर अलग अलग कैटेगरी में अपराधों के रिकॉर्ड्स जारी किए गए हैं। ये न्यूज आप सभी को क्लियर रही हो देन से यस एवरीवन कि हाँ सर ये वाली न्यूज क्लियर हो गई है। इस न्यूज से कोई भी डेटा अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाता है तो हम आसानी से डेटा वहां पर डिफाइन कर पाएंगे। और जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक ना किया हो देन डू लाइक द सेशन। एक बार फटाफट से सभी लोग सेशन को लाइक यहां पर जरूर कर दीजिएगा, जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक ना किया हो। क्लियर है न्यूज? आगे बढ़ें अगली न्यूज की तरफ। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी आ रही है गुजरात राज्य से। और गुजरात राज्य, मैंने आप सभी के साथ एक ट्रिक डिस्कस की थी कई बार कि गुजर गई गरीबी। गुजर गई गरीबी, गुजर का मतलब है गरबा और गरीबी का मतलब है गुजरात। तो गुजर गई गरीबी, गरबा नृत्य का नाम आते ही सबसे पहले जो नाम आएगा वो गुजरात आएगा। तो गरबा ऑफ गुजरात मेक्स इट द यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। गुजरात के गरबा नृत्य को यहाँ पर यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में आपके यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। न्यूज को आगे डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटेंजिबल शब्द का क्या मतलब होता है, इंटेंजिबल वर्ड की क्या मीनिंग होती है। तो जो इंटेंजिबल वर्ड आपके यहां पर है इसका मतलब ऐसी चीज से होता है जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम उपयोग नहीं कर सकते, इसे केवल फील किया जा सकता है। अब इसको आप ऐसे समझो कि जो डांस होता है, क्या डांस को आप छू सकते हैं? क्या डांस को आप छू सकते हैं? डांस को आप देख सकते हैं, डांस करते हुए देख सकते हैं, डांस नहीं देख सकते। गरबा करो तो ये है गरबा डांस, नहीं गरबा डांस नहीं है, गरबा कुछ मूव्स हैं, इसे फील किया जा सकता है, व्यक्ति को गरबा नृत्य करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन डांस को नहीं देखा जा सकता। बात समझ में आ रही है? तो डांस को हम छू नहीं सकते, डांस को हम देख नहीं सकते, डांस को केवल फील किया जा सकता है, एंजॉय किया जा सकता है। इसके जस्ट ऑपोजिट, डांस करने के लिए लगाया गया साउंड सिस्टम, डांस करने के लिए लगाया गया साउंड सिस्टम टेंजिबल एसेट है। ये क्या है? डांस करने के लिए लगाया गया साउंड सिस्टम एक टेंजिबल एसेट है। तो साउंड जो है उसे हम देख सकते हैं, साउंड सिस्टम को छू सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो साउंड सिस्टम टेंजिबल है, डांस इनटेंजिबल है। ये क्लियर है सभी को? देन से यस कि हाँ सर ये क्लियर है। इंटरनेट को कोई देख नहीं सकता, इंटरनेट को कोई छू नहीं सकता, इंटरनेट को यूज कर सकता है, फील कर सकता है, लेकिन इसे देखा और छुआ नहीं जा सकता। लेकिन मोबाइल फोन को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, इसका उपयोग किया जा सकता है। तो मोबाइल फोन में इंटरनेट का इस्तेमाल हो सकता है। मोबाइल फोन टेंजिबल है, बट इंटरनेट नेटवर्क या इंटरनेट की सर्विस आपकी इनटेंजिबल है। क्लियर है? क्लियर है। तो बेसिकली गुजरात का जो ट्रेडिशनल डांस फॉर्म आपका यहां पर बनता है दैट इज कॉल्ड गरबा हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो ऐसी एक लिस्ट बनाई गई है कि जिस लिस्ट में केवल इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज चीजों को शामिल किया जाता है, जैसे कि कोई मेला, कुंभ का मेला भी इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल है। मेले को मतलब मेला लगा हुआ देखा जा सकता है, लेकिन मेले को छुआ नहीं जा सकता। मेला कोई वस्तु नहीं है जिसे हम छू सकें। मेला फील किया जा सकता है, मेले की भीड़ को देखा जा सकता है, लेकिन मेला कोई जीती जागती वस्तु नहीं है। से यस और नो, बात समझ में आ रही है? तो कुंभ के मेले को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है, तो ये इंटेंजिबल है। हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, ये भी आपकी इंटेंजिबल है, क्योंकि हमारी परंपरा और जो हमारी संस्कृति आपकी यहां पर बनती है उसे फील किया जा सकता है, उसे निभाया जा सकता है, उसकी रस्मों को फील किया जा सकता है, लेकिन वो कोई टेंजिबल चीज नहीं है जो इसे हाथ से छू सके। राइट, तो इसीलिए यहाँ पर यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरीके से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की एक लिस्ट होती है, ठीक उसी प्रकार यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट भी होती है। अगर आप किसी भी गुजराती से पूछेंगे तो गुजरात के अंदर गुजरात का कल्चर, गुजरात की जो संस्कृति है, उसमें जो गरबा नृत्य है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। से यस और नो, गुजरात के कल्चर में, गुजरात की संस्कृति में, गुजराती लोगों के रहन सहन में गरबा उनकी संस्कृति का हिस्सा है, उनके कल्चर का हिस्सा है। जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा उनके कल्चर का हिस्सा है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी, भगवान गणेश जी आते हैं और वहां पर उनकी मूर्ति की स्थापना की जाती है, उनके कल्चर का हिस्सा है। बात समझ में आ रही है? जिस तरीके से बिहार में छठ पूजा उनका हिस्सा है, जिस हिसाब से हरियाणा और पंजाब में लोहड़ी फेस्टिवल मनाया जाता है, जिस तरीके से साउथ में पोंगल फेस्टिवल मनाया जाता है, तो सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, सबका अपना अपना कल्चर है। तो यही वजह है कि गरबा को कल्चरल हेरिटेज, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में आपका शामिल किया गया है। The popular dance form is the 15th cultural item from India। तो ये नोट कर लेना कि भारत की तरफ से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में रिसेंटली गरबा को शामिल किया गया है। तो ये भारत से शामिल की गई कौन से नंबर का आइटम है या कौन से नंबर का कल्चरल लिस्ट में शामिल की गई कल्चरल एक्टिविटी है? तो आंसर रहेगा ये 15th नंबर की कल्चरल एक्टिविटी है जिसे यूनेस्को की लिस्ट में आपके यहाँ पर शामिल किया गया है। कोलकाता की दुर्गा पूजा की बात करें तो कोलकाता की दुर्गा पूजा वाज द लास्ट वन एडेड इन 2 years ago। 2 साल पहले कोलकाता की दुर्गा पूजा को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया था। 2 साल पहले, ठीक है, 2 साल पहले कोलकाता की दुर्गा पूजा को भी इसमें शामिल यहाँ पर किया गया था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। The Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage inscribed Garba of Gujarat on the representative list of the Intangible Cultural Heritage of Humanity during its 18th session। अब आपके मन में होगा कि यह अप्रूवल कहां से आई या किसने इसको अप्रूवल दिया है? तो रिसेंटली एक इंटरगवर्नमेंटल, अंतर सरकारी कमेटी बनी थी फॉर दी सेफ गार्डिंग ऑफ दी इंटेंजिबल कल्चरल। आखिर इस लिस्ट में शामिल करने से क्या होगा? हम सेफ गार्ड करेंगे, मतलब बचाएंगे, बचाने के उपाय किए जाएंगे। सेफ गार्डिंग ऑफ दी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इसमें इसको इसलिए शामिल किया गया है ताकि इसको, इसकी विरासत को, इसकी संस्कृति को यहाँ पर बचाया जा सके। गरबा ऑफ गुजरात ऑन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी ड्यूरिंग दी 18th सेशन। इसका 18वां सेशन हुआ था जो कि आपका हुआ था बोत्सवाना के कसाने नाम की लोकेशन पर। तो इस मीटिंग में, इस सेशन में यहां पर इसे शामिल किया गया था। क्लियर है सभी को? द इंक्लूजन हैज बीन मेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द 2023 कन्वेंशन फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो 2003 में एक कन्वेंशन, एक अधिवेशन आयोजित हुआ था ताकि हम इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज चीज़ों को, गुजरात का गरबा, कोलकाता की दुर्गा पूजा, इनको शामिल करें, इन्हें सेफ गार्ड करें। तो उसके अकॉर्डिंग इसे शामिल किया गया है। गरबा की बात कर लेते हैं, गरबा डांस फॉर्म की बात कर लेते हैं। सेलिब्रेटेड फॉर दी 9 days, गरबा 9 days सेलिब्रेट किया जाता है। जो नवरात्रि फेस्टिवल होता है वहां पर पूरे 9 दिन लोग गरबा, स्पेशली इन गुजरात, आयोजित किया जाता है। ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ नवरात्रि द फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू द वर्शिप ऑफ द फेमाइन एनर्जी और दी शक्ति, देवी शक्ति के रूप को। नवरात्रि देवी शक्ति का रूप है ना। शक्ति के रूप को, उस एनर्जी को और उसकी पूजा करने के लिए, वर्शिप करने के लिए इसे मनाया जाता है। द कल्चरल परफॉर्मेटिव एंड द विजुअल एक्सप्रेशंस ऑफ दिस फेमिनिन एनर्जी आर एक्सप्रेस्ड थ्रू द गरबा डांस। तो देवी की आरती के लिए, उनकी पूजा के लिए, उनकी वर्शिप के लिए गरबा करके लोग क्या करते हैं, अपनी एनर्जी, अपनी वर्शिप, अपनी पूजा को एक्सप्रेस वहां पर करते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की। तो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है एक नॉवेल को लेकर। हुमा कुरैशी, ये एक जानी मानी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, ठीक है, हुमा कुरैशी। तो हुमा कुरैशी ने लॉन्च की है फर्स्ट नॉवेल जिसका नाम है जेबा। इन्होंने पहली नॉवेल आपके यहां पर लॉन्च की है जिसका नाम है जेबा। जेबा मेन टाइटल है, सब टाइटल है एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर हुमा कुरैशी, आप एक बार इस बुक का जो फ्रंट पेज है, ठीक है, वो आप यहाँ पर कवर पेज एक बार फटाफट से जरूर देख लीजिएगा। हाँ, मोदी जी ने अभी रिसेंटली नवरात्रि में गरबा सॉन्ग भी आपके यहाँ पर लिखा था, बड़ा ही वो चर्चा में आया था। जरा मुझे लिखकर बताओ कि उस गरबा सॉन्ग का मेन टाइटल माड़ी था, माड़ी सॉन्ग। हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड वेरी गुड, याद दिलाने के लिए शुक्रिया। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का नहीं, ये क्वेश्चन कहाँ है। पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर हुमा कुरैशी हैज नाउ टर्न ऑथर, यानी कि ये जो नॉवेल है वो लिखी भी हुमा कुरैशी ने है और इस उनकी नॉवेल को लॉन्च भी कर दिया है। वो अब ऑथर भी बन गई हैं भाई इस नॉवेल के साथ, विद हर डेब्यू नॉवेल। ये उनकी पहली नॉवेल है जो उन्होंने लिखी है, नाम है इसका जेबा। और जेबा है एक एक्सीडेंटल सुपर हीरो, यानी कि इस नॉवेल में जो कहानी होगी वो जेबा नाम की एक्सीडेंटल सुपर हीरो के बारे में होगी, जो अचानक से एक्सीडेंटल सुपर हीरो बन जाती है एक्सीडेंटली। सेट इन अ फैंटेसी लैंड, यानी कि ये काल्पनिक कहानी आपकी यहाँ पर होगी, जैसे कि आपकी हैरी पॉटर सीरीज की कहानी थी, वो एक काल्पनिक कहानी थी, ठीक इसी प्रकार ये भी एक काल्पनिक कहानी आपकी यहाँ पर होगी, ठीक है। सेट अ फैंटेसी लैंड विद इट्स ऑन जियो एंड सोशल पॉलिटिकल स्पिन, द मतलब ये कहानी है। सी लॉन्च हर बुक एट द 12th एडिशन ऑफ द बेंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल। अभी रिसेंटली जो बेंगलोर में 12वां बेंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल आपका यहाँ पर चल रहा है, वहाँ पर इस बुक को रिलीज किया गया है। दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के जीवन पर आधारित है, मंजू शर्मा जी। और दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के ऑथर आपके बनते हैं उन्हीं के पूर्व सेक्रेटरी जिनका नाम था संजया बारू, संजया बारू जो कि उनके सेक्रेटरी थे पीएम मनमोहन सिंह जी के, उनके द्वारा लिखी गई थी दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो याद रखिएगा हुमा कुरैशी बुक नॉवेल का नाम, पहली नॉवेल जेबा आपकी यहाँ पर बनती है। इसके साथ ही साथ कुछ रीसेंट बुक्स भी देख लेते हैं जो हाल ही में आपकी यहाँ पर रिलीज की गई हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली जानी मानी बॉलीवुड की एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना, और ऑथर भी हैं क्योंकि ये एक नहीं, अब तो इससे पहले कई किताबें लिख चुकी हैं ट्विंकल खन्ना। तो वेलकम टू पैराडाइज किताब अभी रिसेंटली ट्विंकल खन्ना की बुक है जो रिसेंटली आपके यहाँ पर रिलीज हुई थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम गोविंद राजन जी, जिन्होंने रोहित लांबा के साथ मिलकर बुक आपके यहाँ पर लिखी है ब्रेकिंग दी मोल्ड, ये किताब अभी रिसेंटली रिलीज हुई थी। इसके बाद अगली बुक आपकी बनती है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। इस किताब के राइटर हैं विवेक अग्निहोत्री, ठीक है। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, विवेक अग्निहोत्री। नेक्स्ट बुक जो रिसेंटली रिलीज हुई है द डे आई बिकेम अ रनर, ये एस चट्टोपाध्याय की बुक है, ये किताब भी रिसेंटली रिलीज हुई थी। और नेक्स्ट है टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ द वेक्स एंड द विगिल्स, ये किताब वी राघवन की किताब आपके यहाँ पर बनती है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो बाद में आपको PDF मिल जाएगी। ये सारी किताबें लेटेस्ट बुक्स हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? देन डू लाइक द सेशन। यहाँ तक का न्यूज डिस्कशन अगर आप सभी को क्लियर है तो देन एक बार फटाफट से सेशन को लाइक यहाँ पर जरूर कर दीजिएगा। सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा जिन लोगों ने लाइक ना किया हो। रिमेनिंग हमारे पास 15 मिनट है और इस रिमेनिंग 15 मिनट्स में हम 15 MCQs का डिस्कशन अब आप सभी के साथ करेंगे। तो आगे अब हम लोगों का MCQs डिस्कशन यहाँ पर होगा स्टार्ट, सो बी रेडी। और सेशन को लाइक यहाँ पर जरूर कर दीजिएगा जिन लोगों ने सेशन को लाइक ना किया हो, भाई फटाफट से सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अब यहाँ पर MCQs डिस्कशन की। और पहला MCQ आप सभी के सामने ये रहा, क्वेश्चन को रीड करिएगा और आंसर यहाँ पर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर देते हुए चलेगा फटाफट। Which state has declared the public a holiday for the Dr. Bhimrao Saheb Ambedkar death anniversary observed on the 6th of December? अभी हाल ही में 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर की तारीख जो आपके यहाँ पर गुजरी है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी आपके यहाँ पर बनती है। तो किस राज्य ने 6 दिसंबर को, किस स्टेट ने 6 दिसंबर को डॉक्टर बाला साहेब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि के लिए यहाँ पर सार्वजनिक विकास यानी कि हॉलीडे की घोषणा आपके यहाँ पर की है? 5 ऑप्शन सही जवाब। स्टेट गवर्नमेंट का नाम, तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट आपकी बनती है महाराष्ट्र स्टेट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र स्टेट ने रिसेंटली इस बात की घोषणा की है कि वो पब्लिक हॉलीडे यहां पर घोषित करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आंसर, हु हैज बीन नेम्ड एज द पर्सन ऑफ द ईयर फॉर द 2023 बाय द टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन के द्वारा 2023 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के तौर पर किसे नामित आपके यहां पर क्या किया, किसे किया गया है? 5 ऑप्शन सही जवाब। रिसेंटली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक स्टैच्यू अमेरिका में इनॉग्रेट आपके यहाँ पर किया गया है। 14 अप्रैल ये भीमराव अंबेडकर जी की जयंती आपके यहाँ पर बनती है। उनके समाधि स्थल को चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम वेटिंग फॉर वीजा। वो प्रारूप समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे जिन्होंने संविधान की रचना की है, संविधान को बनाया। मैक्सिमम लोग लिख रहे हैं स्विफ्ट। तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो बेसिकली स्विफ्ट एक नेटवर्क होता है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में आपका लोकेटेड है। तो आई थिंक आप सभी लोग वो वाला स्विफ्ट यहाँ पर बोल रहे हैं। नहीं सर, वो वाला स्विफ्ट नहीं बोल रहे हैं, हम टेलर स्विफ्ट वाला स्विफ्ट बोल रहे हैं और हम मारुति सुजुकी की स्विफ्ट भी नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर जानी मानी सिंगर टेलर स्विफ्ट की बात कर रहे हैं सर, जिन्हें रिसेंटली टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर आपके यहाँ पर घोषित किया है। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आने वाले फर्स्ट इंडियन का नाम याद है सभी को? फर्स्ट इंडियन जो कि टाइम मैगजीन के कवर पेज पर नजर आए थे, अगर हाँ तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखकर यहाँ पर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द पर्सन ऑफ द ईयर फॉर द 2022 पर द टाइम्स मैगजीन। वहां पर हम लोगों ने न्यूज डिस्कशन में यह भी डिस्कस किया था कि लास्ट ईयर 2022 में टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर कौन थे। कमेंट सेक्शन में लास्ट ईयर टाइम्स मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर आपके यहाँ पर कौन थे, कमेंट सेक्शन में फटाफट। तो लास्ट ईयर टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर थे आपके यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि काफी चर्चा में रहे थे बिकॉज ऑफ द रशिया वॉर। महात्मा गांधी टाइम मैगजीन के कवर पेज पर नजर आने वाले पहले भारतीय थे, तो ये भी साथ ही साथ याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोलकाता एडिशन ऑफ द बांग्लादेश बुक फेयर ऑकर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर। बांग्लादेश पुस्तक मेले का आयोजन कोलकाता संस्करण पहली बार कब हुआ था? क्योंकि इस समय कोलकाता में अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश बुक फेस्टिवल आपके यहां पर लगा हुआ है, जो कि 11th एडिशन आपके यहां पर बनता है। पहली बार इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो कब आपके यहां पर आयोजित किया गया था? तो इसका पहला एडिशन आयोजित हुआ था 2013 में, 2013 में, ना कि 11 में। अभी 11th चल रहा है ना, तो आप 10 साल पीछे जाओ, ये 11वां हो जाएगा, 11th हो जाएगा। पहली बार 2013 में लगा था, अब 2023 में लग रहा है ना, तो 11th एडिशन हो जाएगा ये, मतलब ये हो जाएगा फर्स्ट एडिशन 2013 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु टुक द ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना आफ्टर बैगिंग 64 सीट्स इन द 119 हाउस असेंबली। आंसर दीजिएगा, 119 सदनों की विधानसभा में 64 सीटें हासिल करने के बाद किसने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ आपकी यहाँ पर ली है? 5 ऑप्शन सही जवाब। तो ये आपके बनते हैं रेवंत रेड्डी साहब, RR रेवंत रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 6, रेवंत रेड्डी वाज सोन इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना स्टेट बाय इट्स गवर्नर, सो हु इज द करंट गवर्नर ऑफ द तेलंगाना। सिंपल सा क्वेश्चन कि वर्तमान में तेलंगाना के जो गवर्नर आपके यहाँ पर है वो कौन है, क्योंकि पद की शपथ जो मुख्यमंत्री को दिलाते हैं वो उस राज्य के गवर्नर दिलाते हैं। तो इस राज्य के वर्तमान गवर्नर आपके यहाँ पर कौन बनते हैं? तो इस राज्य के वर्तमान गवर्नर है टी सुंदर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से इसे रीड करके आंसर यहां पर दीजिएगा। इस क्वेश्चन के लिए मैं हाइड रहूंगा। विच बैंक्स लाइसेंस हैज बीन कैंसल्ड बाय द आरबीआई ड्यू टू इनएडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स। अपर्याप्त पूंजी, बैंकिंग बिजनेस को रन करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है और कमाई की संभावनाओं के कारण आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रिसेंटली आपके यहाँ पर रद्द कर दिया है। 5 ऑप्शन सही जवाब। तो बैंक का नाम यहाँ पर क्या बनेगा, इस बैंक का नाम बनेगा शंकर राव पुजारी बैंक। ऑप्शन नंबर ई, शंकर राव पुजारी बैंक। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विल बी द रैंक ऑफ द इंडिया अमंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स बाय द 2023 एज पर द S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग्स रिपोर्ट। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक विश्व अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान आपका यहाँ पर क्या होगा। 5 ऑप्शन, What will be the rank of India among the world economics by the 2030 as per the S&P? S&P का फुल फॉर्म रहेगा स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग्स रिपोर्ट। इसका सही जवाब यहाँ पर क्या बनेगा, भारत की रैंक जो होगी 2030 तक भारत की विश्व अर्थव्यवस्थाओं में भारत की रैंकिंग तीसरी होगी, थर्ड रैंक होगी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, What is the expected rate of growth of India in the 2023-24 as predicted by the S&P Global Ratings? तो S&P Global Ratings की भविष्यवाणी, उनके प्रेडिक्शन के अनुसार 2023 और 24 में भारत की जो प्रेडिक्टेड ग्रोथ है वो कितने परसेंट आपकी यहाँ पर रह सकती है, प्रेडिक्टेड ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 9 सही जवाब। तो प्रेडिक्टेड ग्रोथ आपकी यहाँ पर रह सकती है 6.4%। ऑप्शन नंबर बी 6.4% इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 10, Which city is hosting the India Internet Governance Forum 2023? कौन सा शहर भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 की मेजबानी कर रहा है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, फोरम है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023। इसे कौन सा शहर आयोजित कर रहा है, मेजबानी कर रहा है। तो यह है भारत की राजधानी नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ई न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन को पहले ध्यान से रीड कीजिएगा, सभी ऑप्शंस को ध्यान से रीड कर लीजिएगा फिर आंसर दीजिएगा कि व्हाट इज द थीम ऑफ द इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023। इस इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की थीम आपकी यहाँ पर क्या बनती है। फर्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड व्हाइल एडजस्टिंग द इंडियाज डिजिटल एजेंडा, लिवरेजिंग द टेकेड फॉर एम्पावरिंग भारत, Empower India through the power of internet, internet for human resilience and solidarity, and option number E आपके यहाँ पर बनता है algorithm and the accountability। ऑप्शन नंबर E algorithm and accountability। अब बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर A, यानी कि moving forward while एडजस्टिंग द इंडियाज डिजिटल एजेंडा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच कंट्री हैज वॉन द बिड फॉर होस्टिंग द एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर। एक्सपो 2030 विश्व मेले की मेजबानी की जो बोली है वो किस देश ने आपके यहाँ पर जीत ली है। अब इस कंट्री में यहाँ पर एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर को आयोजित किया जाएगा। ये कंट्री आपकी यहाँ पर कौन बनेगी। तो एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर को आयोजित करेगा सऊदी अरेबिया। बिड आपकी यहाँ पर जीत ली है। रिसेंटली सऊदी अरेबिया ही इकलौता ऐसा कंट्री था जिसने फीफा वर्ल्ड कप के लिए बिड लगाई थी। तो किस वर्ष के लिए, किस ईयर के लिए सऊदी अरेबिया इकलौता ऐसा कंट्री था जिसने फीफा वर्ल्ड कप आयोजित करने के लिए बिड लगाई थी, और इसी वजह से सऊदी अरेबिया को ये वर्ल्ड कप आयोजित करने को मिलेगा। तो मुझे ईयर लिखकर यहाँ पर बताएगा कि किस वर्ष के लिए उसने यहाँ पर यह बिड लगाई थी। क्वेश्चन नंबर 13, the Expo 2030 World Fair is organized by the Bureau International Des Expositions और BIE। क्वेश्चन आपका यहाँ पर यह है कि BIE नाम का ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है। 2034 के फीफा वर्ल्ड कप के लिए बिड आपके यहाँ पर लगाई है किसने, आपकी यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने। वेरी गुड, यहाँ पर बताएगा सही जवाब। एक्सपो 2023 के लिए बेसिकली इसका जो आयोजन है वो ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल डेस एक्सपोजिशन नाम का ऑर्गेनाइजेशन इस वर्ल्ड फेयर को आयोजित करेगा। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? क्वेश्चन नंबर 13 सही जवाब। इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है पेरिस, फ्रांस में। तो ऑप्शन नंबर ए नॉट ई, दुबई इज नॉट द करेक्ट वन। यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा पेरिस, फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द मेडागास्कर? मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में किसे दोबारा से पुनः नियुक्त किया गया है? पांच ऑप्शन सही जवाब। मेडागास्कर एक आइलैंड कंट्री है और मेडागास्कर की मैं बात करूं तो मेडागास्कर इंडियन ओशियन में यानी कि हिंद महासागर में मौजूद सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री बनता है। यहाँ पर वनीला जो फ्लेवर होता है ना आइसक्रीम का, उसकी खेती भी होती है यहाँ पर। तो मुझे बताएगा कि यहाँ पर अभी जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं उनका नाम यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर अभी जो लेटेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं एंड्री रजोलिना, ये बने हैं मेडागास्कर के राष्ट्रपति। ये वापस से नियुक्त हुए हैं, रीअपॉइंट हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के लिए यहाँ पर रहेगा होमवर्क। मेडागास्कर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो कि आप सभी के लिए यहाँ पर है होमवर्क कि एंड्री रजोलिना को प्रेसिडेंट बनाया गया है मेडागास्कर का। तो मेडागास्कर की जो कैपिटल और करेंसी है, कैपिटल आपके सामने है, करेंसी भी मुझे लिखकर बताइएगा। मेडागास्कर की कैपिटल और करेंसी ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है, ठीक है, होमवर्क के तौर पर कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो 3 PM पर होगी। अभी ऐप सेशन पर क्लासेस नहीं होंगी, तो नेक्स्ट क्लास होगी दोपहर 3 बजे और ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास है। तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के लिए इसी यूट्यूब चैनल पर आपको दोपहर 3 बजे जुड़ना है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो। कल है सैटरडे, तो कल सैटरडे को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स, ठीक है। तो कल आपका होगा वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन और संडे को भी क्लास होगी सुबह 8 बजे और संडे को होगा मंथली करंट अफेयर्स रिवीजन। मंथली करंट अफेयर्स रिवीजन कब होगा? नवंबर मंथ 2023 करंट अफेयर्स रिवीजन ये होगा संडे को सुबह 8 बजे। तो आप सभी को संडे सुबह 8 बजे मंथली करंट अफेयर्स रिवीजन के लिए सेशन को ज्वाइन करना है, ठीक है। कल वीकली करंट अफेयर्स, परसों मंथली करंट अफेयर्स। तो सैटरडे और संडे सुबह 8 बजे की क्लास आपकी दोनों क्लासेस होंगी। मंडे को डेली करंट अफेयर्स होगा ही होगा, तो इस वीकेंड में भी क्लासेस होंगी। वीकेंड में क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आज के लिए इस सेशन में इतना ही। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए, सेशन को शेयर जरूर कीजिए और होमवर्क का आंसर जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। आज के लिए इस सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड कीप एम्बाइबिंग बिकॉज एम्बाइबिंग इज बेटर देन लर्निंग। थैंक यू सो मच एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.